अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये फरवरी की 3 तारीख है और सर्दी मेरे हिसाब से तो जा चुकी थी, मगर ये फिर से कोहरा आ गया। मगर खैर कोई नहीं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम लोग हमारे फार्म की सफाई करवा रहे हैं। सफाई का मतलब है कि जो पूरी सर्दियों में हमने नीचे बिछाया हुआ था। सर्दी में क्या होता है कि ज़्यादा सफाई नहीं की जाती बाड़ों की, ताकि गर्माहट बनी रहे, तो इस वजह से हम लोगों ने अभी तक सफाई नहीं कराई थी। मगर अब क्या है कि टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से हम एडवांस में ही सेम चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो, इसे धूप में हमने काफ़ी टाइम से सुखाया है। अभी क्या है कि इस पर ओस पड़ी हुई है तो ये गीला दिख रहा है। इंशाल्लाह जब ये धूप में सूख जाएगा इसको अंदर डाल देंगे और टिक्स ना आए उसके लिए स्प्रे वगैरह करेंगे। तो कौन सा हम स्प्रे इसमें यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें डालेंगे और सफाई कैसे करते हैं, इस बारे में ये व्लॉग होने वाला है या वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो में अंत तक देखना, आप लोगों को बड़ा मज़ा भी आएगा और नॉलेजेबल भी वीडियो होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे फार्म के अंदर और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सर्दियों में बकरों के नीचे क्या बिछाना चाहिए जिससे कि बकरों को हीट रहे, लेकिन अब इसका टाइम आ गया है उठाने का। और ये हमने पूरी सर्दी के सीजन में 4 बार बदली थी, यानी कि 4 बार इसको उठवाई थी, दूसरी नहीं डलवाई थी, बट अब ये सारी की सारी उठेगी। और ये जो ज़मीन आप देख रहे हो, जो गीली दिख रही है, इस पर हम वो बाहर वाली जो मैंने आपको दिखाई है वो डालेंगे। ये सब डालने के बाद इसमें किन किन चीज़ों का स्प्रे किया जाएगा और क्या क्या प्रिकॉशन हम लेंगे, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज इंशाल्लाह पूरे फार्म की सफाई करी जाएगी। सावन, आज तो बकरे रेस्ट पे ना, और आज हमारे बकरे सारे रेस्ट पे रहेंगे। महीने के एक दिन हम हमारे बकरों को कोई दाना नहीं देते, सिर्फ नॉर्मल हरी पत्ती खिलाई जाती है। जो भी दाना वाना होता है वो अगले दिन होगा, ताकि एक दिन इनको रेस्ट का मिल सके अच्छे से। आप लोग देख पा रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा आपको नीचे से फ्लोर, तो इसको सफाई करेंगे और आज यहाँ पर न्यू फ्रेश मिट्टी डालेंगे। तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हम क्या क्या चीज़ों का स्प्रे करेंगे ताकि टिक्स ना आए, वो भी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी क्या नाम है फार्म पर प्रॉब्लम आती है, मगर अगर तरीके से किया जाए और इन्जॉयमेंट के साथ किया जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो हर चौथे आदमी का क्वेश्चन ये रहता है नए में कि भाई फार्म पर टिक्स हो गए हैं, जहाँ पर मोस्टली कच्चा होता है, कि बकरों को जुएं हो गई है, पिस्सू हो गए हैं, उनका क्या इलाज करें। और ये हर फार्म की कहानी है, हमारे फार्म पर भी ये चीज़ें आती है, लेकिन उसको किस तरीके से हम लोग हटाते हैं, किस तरीके से हम उसको करते हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन पूरी एंड तक देखा करें। हो सकता है कि शुरू में आपको कोई चीज़ें समझ ना आए, लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको मेरा बताने का मेन उद्देश्य क्या है, कि मैं पर्पस क्या है जो आपको समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको समझ आएगी भी और इंशाल्लाह आप वो इम्प्लीमेंट करोगे अपने यहाँ पर तो आपको फ़ायदा भी होगा। कोई भी ऐसी चीज़ मेरे यहाँ से नहीं दी जाएगी, वो नॉलेज हो, बकरे हो या बकरों का वेट गेन का मसाला हो, जिससे आप लोगों को नुकसान हो। तो आप बराए मेहरबानी चीज़ों को देखें, समझें और उसके बाद अपने आप पर इम्प्लीमेंट करें। ये जो टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इसमें जो जहर वगैरह छिड़का जाता है नीचे, उसको कैसे यूज़ करना है उसको गौर से देखना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि इन केस आप लोगों ने उस चीज़ को लाइटली ले लिया और अल्लाह ना करे आपके फार्म पर कोई रिएक्शन आ गया, तो आप मुझे ब्लेम करोगे कि कादिर भाई आपकी वीडियो देखकर हमने किया था। तो करने का पूरा तरीका देखना, और सीनियर लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप टोक दें, मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग अगर सिखाना चाहते हो तो बराए मेहरबानी बिना रोक टोक के आप मुझे बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि अभी सफाई चल रही है, जब स्प्रे होगा तब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा सा बकरों का देखते हैं और उसके बाद जैसे जैसे होगा पूरे दिन में आप लोगों को दिखाऊँगा, और एंड में ये फार्म कैसा लग रहा है अंदर से वो भी दिखाऊँगा। बट लेट्स सी कि धूप निकल जाए इंशाल्लाह, तो थोड़ा बकरे बाहर आ जाएंगे तो सारा अंदर से सफाई भी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पूरी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। एक हमारा जो बाड़ा है पार्टीशन जिस पे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है और धूप अभी तक भी नहीं निकली, तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। इस ज़मीन पर अभी मैं स्प्रे करूँगा पहले, और उसके बाद इस पर नई मिट्टी डाली जाएगी, क्योंकि जो टिक्स वगैरह हैं वो इस मिट्टी में है, वो नई मिट्टी में नहीं है। इनको बाहर मत निकलने देना भाई, ये जो मिट्टी है ये बाद में डलेगी। तो अभी मैं कौन सा स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेडिसिन हम डाल रहे हैं जिससे कि ये टिक्स मर जाए। किसी के मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके
मरने की दुआ मैं बहुत करता हूँ। ये है एम्प्टी सेफ और फ्लूमेथ्रीन 50 ml। मैं ये सारी नहीं डालने वाला, इसमें से थोड़ी थोड़ी डलेगी क्योंकि ये बहुत हैवी जहर होता है, इसके रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो इस पे जो डोसेस लिखी होती है 1 लीटर पर 1 ml, तो मैं 1 लीटर पर 2 ml डालूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्म थोड़ा बड़ा स्पेस है अंदर का, तो उस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे। बट आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करें और जिस बाड़े में आप डालें उस बाड़े में बकरे ना हो। ले भाई सुल्तान, ये हमारी स्प्रे मशीन है। तो सफाई अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले जब भी आप स्प्रे करें तो सिर्फ कोनों कोनों पर करें, चारों तरफ, उसके बाद बीच में आए क्योंकि ये कोने में ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बीच में करने लग जाओगे तो ये दूसरी साइड से हटके अपने लिए सेफ जगह देख लेंगे। मक्खी वगैरह भी इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फार्म पर जो जानवर को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं वो ये जीवी होते हैं, जो मक्खी टिक्स वगैरह, इससे बकरा कभी ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपके फार्म पर ये टिक्स वगैरह हैं तो इसको फटाफट से हटा ले। ये बहुत बड़ा एक मसला है जिसको लोग बाग बहुत लाइटली ले जाते हैं। जितना ज़्यादा जानवर कंफर्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी ये जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं इनको देखकर अपने फार्म पर लाइटली ना ले, हमेशा इसका सॉल्यूशन करें, हमेशा अपने फार्म को सफाई करते रहे। सफाई बहुत ज़रूरी है, फार्म हो, घर हो, कुछ भी हो। मैं मानता हूँ कि ये बकरे हैं, यहाँ पर गंदगी होगी, लेकिन एक हद तक गंदगी चलती है। अगर आप बराबर सफाई करोगे तो आपका खुद का भी मन लगेगा फार्म पर और आपके जानवर भी दिखेंगे। तो अपने फार्म पर सफाई करना ना भूले, जिससे कि आपके जानवर बहुत ज़्यादा खुश रहे। हाँ भाई, कोहिनूर, माशाल्लाह, कोहिनूर की वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी आप लोगों के लिए, किसने कितना वेट गेन किया है 4 महीने में। तो फाइनली स्प्रे हो गया है फार्म पर एक बाड़े में। अब हम इस पर डालेंगे नई मिट्टी, और नई मिट्टी के ऊपर मैं एक चीज़ डालूँगा, वो एंड में आप लोग देखना जब ये बारी आएगी इसकी। अभी फ़िलहाल ये डलेगा सारा का सारा जितना भी है। ये मैंने पूरे 1 महीने से सुखा रखा था, बारिश हुई तो थोड़ा गीला हो गया था, मगर आज इंशाल्लाह धूप निकलेगी तो सूख जाएगा और तब इसको यहाँ पर डाला जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, फार्म पर साफ़ सफाई के बिना बेकार है फार्म पर। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मत करना कि अपने बकरों को उनके हाल पर छोड़कर सिर्फ खिला रहे हो, सफाई नहीं कर रहे या उनका ध्यान नहीं रख रहे हो। टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम से बकरे बड़े परेशान होते हैं, तो हमेशा अपने बकरों के टिक्स वगैरह के इलाज टाइम पर करें। ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ले आता है जानवरों में, टिक्स वगैरह का मसला आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो कोशिश करें आपके जानवर कंफर्टेबल रहे, उनके ऊपर कोई टिक्स। बहुत से लोगों को बाहर वीडियो देखने वाले को ये रेत लगेगी, मगर ये रेत नहीं है, ये है पांगी। रेत जैसी होती है मगर रेत नहीं होती। ये डाली जाती है बकरों के नीचे, इससे बड़ा फ़ायदा रहता है बकरों को। आज के दिन फार्म पर सिर्फ हरी पत्ती हम खिलाएंगे, क्योंकि महीने में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एक दिन हम रेस्ट देते हैं, उस दिन बकरों को हम कुछ अलग से नहीं खिलाते। भाई गेट लगा सुल्तान, उस दिन हम अलग से कुछ नहीं खिलाते। थोड़ा मौसम आज हमारे मुताबिक नहीं हुआ, खैर अल्लाह की जैसी मर्जी, आज धूप नहीं निकली है और मुझे ये सफाई करानी बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा नुकसान रहता है। तो अभी हमने एक तरफ कर दी है स्प्रे, ये दूसरी तरफ होना है इंशाल्लाह, इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको। और जब ये बन जाएगा पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा तब मैं आपको पूरी वीडियो इंशाल्लाह इसकी लास्ट में दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भी। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने बकरे सारे बाहर निकाले हुए हैं और पूरा फार्म पैक किया हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रे वगैरह किया जाता है। यहाँ पर न्यू मिट्टी डल चुकी है और सफाई यहाँ की हो गई कंप्लीट। बस इस पर एक चीज़ डलेगी अभी पाउडर फॉर्म में, जिससे कि इस पर जो बाहर के भी टिक्स है वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसे करके पूरा पैक है, तब जाके स्प्रे करें ताकि कोई जानवर इसके इन्फेक्शन में ना आ पाए। तो सबसे लास्ट में जो हम डाल रहे हैं ये है टीडीमार पाउडर। ये बहुत डेंजर होता है, इसको ना बिना रुमाल के डालना नहीं चाहिए। मुझे वीडियो बनानी थी इस वजह से मैंने ये बनाया है। बाकी इसको जब डालेंगे तो मुंह पर रुमाल बांध लें, उसके बाद यूज करें। तो इसको इस तरीके से अपने फार्म पर नीचे दिखा दी भाई जरा। तो इसको इस तरीके से अपने फार्म पर या कहीं पर भी आप डाल दें, ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और जो मिट्टी में पैदा होते हैं टिक्स वो खत्म हो जाएंगे। ये मिट्टी में पैदा होने बंद हो गए तो आपके फार्म पर भी आने बंद हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ बकरों को डालोगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बकरों पे डालोगे
तो ये नीचे चले जाएंगे ज़मीन में, और जैसे ही बकरों के ऊपर से स्मेल ख़त्म होगी तो ये फिर आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि ये जब भी डाला जाए बकरों के फ्लूमेथिलीन वगैरह, तो उसके साथ साथ ज़मीन का भी सॉल्यूशन आप कर दें ताकि ये कभी पैदा ही ना हो। तो सारी सफाई वगैरह होने के बाद अब कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारे अंदर के जो बाड़े हैं वहाँ का फ्लोर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन है। बाकी सब चले गए अपना लंच वगैरह करने, अभी मैं भी जाता हूँ और लंच वंच करके इंशाल्लाह फिर देखते हैं। माशाल्लाह देखिए सफाई रहती है ना तो खुद का भी मन लगता है, हर जगह जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर सफाई होना बड़ी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, अल्लाह के बड़े एहसान। अब बस उम्मीद करते हैं कि ये टिक्स वगैरह अब जल्दी से दोबारा ना आए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड में भी अभी वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग फैब्रिक गोट फार्म। ये बड़ा रिस्की वीडियो है, इसको यूज़ करने से पहले 10 बार देख लेना वीडियो को, समझ लेना। और बस थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। कीप सब्सक्राइबिंग बकरा पैलेट, और शेयर करें आगे भी लोगों को ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।